इंशाल्लाह। पर ये बारिश हो रहा है यार, छाता भूल गया मैं। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इमरान खान, आप लोग देख रहे हैं एमआई खान ब्लॉग। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा होगा या नहीं, आई डोंट नो। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट करने जा रहा हूँ और मैं फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ एक मस्जिद से जहाँ मैं अभी जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। पिछले साल मैं गया था वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने और थोड़ा सा वीडियो भी मैंने उसका बनाया था और उसको अपलोड किया था, शायद आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। बट मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसके बारे में, सो ट्राई करूँगा आज कुछ बोलने का, कुछ एक्सप्लेन करने का। सो आप लोगों को अगर पसंद आए तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलते हैं मस्जिद, अभी यहाँ 12:30 हो गए हैं और जुमा का टाइम है 1:30 बजे, सो पार्किंग भी थोड़ा सा भीड़ रहता है। सो चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं मस्जिद में। ओह ये सही नहीं है, बारिश नहीं होना था, अभी बादल तो लगा था पता था बारिश होगा, ये पता नहीं था, तो लगा था तो बारिश तो हो गई, खुदा खैर करे। ये मेरा कार थोड़ा गंदा है, थोड़ा क्या पूरा ही गंदा है। सो आई एम रेडी टू गो। मैप भी सेट करना होगा इसके लिए। मैं यहाँ जा रहा हूँ, यूनाइटेड सेंटर ऑफ अमेरिका, ये मॉस्क है। मैं जस्ट मस्जिद पहुंचा हूं अभी। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि यहां पार्किंग है, ये मस्जिद पूरा प्री प्लान बनाया हुआ है एंड यहां पे नीचे में पार्किंग स्पॉट है। अगर आप पहले आते हो तो आपको जगह मिल जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है पार्किंग स्पॉट मिलना यहां पे। सो मैं आज आधा घंटा पहले आ गया हूं, तो पिछले बार मुझे बहुत दिक्कत हो गया था, पार्किंग मिला नहीं, ढूंढ ढूंढ के पूरा घूम घाम करके तब जाके मुझे सेम स्पॉट मिला था जहाँ पे मैंने आज गाड़ी पार्क किया है। सो आज मैं सोचा पहले ही यहाँ पे पार्क कर दूँ। चलते हैं आपको मस्जिद घुमाते हैं। यह है पार्किंग स्पॉट, रियली बहुत बड़ा है, बहुत सारे गाड़ी लग जाते बट लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर, इसलिए जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, ऊपर किधर से जाते हैं, देखता हूँ किधर है रास्ता। अच्छा इधर से, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, आपको जरूर पसंद आएगा, मैं ये सब चीज़ घुमाया नहीं था इससे पहले। आप
एक्चुअली बारिश बहुत मीन्स बहुत ज़ोर से तो नहीं, धीरे से हो रहा है। सो बाहर चलाया थोड़ा तो दिखाने के लिए बाहर से, वो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख ही जाएगा। तो ये है मेन एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क। एक्चुअली मैं पीछे से आया, नीचे से होकर कर यहाँ से हम एंटर करते हैं। निकलूँगा, मौसम ख़राब हो इससे पहले कि घर निकल जाऊँ। यहाँ पे नमाज मीन्स रमज़ान का इश्तहार भी मिला मुझे, यहाँ पे है और बांट रहे हैं। इस मस्जिद की और भी स्टोरीज़ है तो मैं बताऊँगा। घर पहुँच करके मुझे निकलना चाहिए, मौसम बहुत ख़राब हो है। मिलते हैं जल्दी। सो मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी, आप देख सकते हैं। मैं और ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, मुझे जल्दी से आना पड़ा। सो ये मस्जिद एक्चुअली में बना था 1993 में इन लनहाम मैरीलैंड। सो लाइक एज पर रिपोर्ट ये मस्जिद टर्किश एंड अमेरिकन कम्युनिटी का है एंड लाइक फॉर एवरी मुस्लिम एंड मोस्टली टर्किश। लाइक बहुत सारे टर्की के लोग वहाँ पे आते हैं एंड थोड़ा बहुत खुतबा भी मीन्स नॉट खुतबा, थोड़ा बहुत स्पीच टर्की में भी देते हैं वो इमाम जो होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना एक्चुअली में, क्योंकि आपको एक मस्जिद मिल गया नमाज पढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत दिक्कत होता है अगर आप कहीं दूसरे देश में हो, दूसरे शहर में हो और ढंग से कुछ मिले ना, तो अकेले कहाँ जाओगे आप जुमा पढ़ने। तो एक्चुअली ये मस्जिद मिलने के पीछे एक कहानी है। मैं लास्ट ईयर जब ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए निकला घर से, तो एक आसपास का गूगल सर्च में एक आसपास का मस्जिद दिख रहा है पास में कि हाँ मस्जिद है वहाँ पे। मैं सोचा हाँ हो रहा होगा ईद का नमाज़, तो चला जाता हूँ। बहुत ठंडा भी था उस टाइम में। सो मैं जब निकल गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर उधर से और देखा कोई आसपास में और कोई मस्जिद है कि नहीं, तो फिर आगे पहुँचा तो वहाँ पता चला वहाँ भी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे कुछ लोग मिले मुझे, वो लोग बोले कि somebody is going to the mosque so you can join them। सो कुछ लोग थे वो मुझे अपने कार में ले गए। सो किस्मत से खुदा को चाह और पहुँचा दिया वहाँ मस्जिद में। मुझे पता भी नहीं था उस मस्जिद के बारे में। देन लास्ट ईयर मैं वहाँ ईद का नमाज़ पढ़ा
तो लास्ट वीडियो भी मैं डाला था उस मस्जिद का, बट कुछ बोल नहीं पाया था क्या है नहीं है। सो इस मस्जिद में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इस्लामिक सेंटर है ये, वहाँ पे शहादा भी होता है, मुसाफिर खाना भी है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स भी है, एंड ये भी है इस्लामिक स्टडी सेंटर भी है। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, अगर आप कभी आते हो मैरीलैंड तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार ज़रूर विज़िट करो उधर, दियानत सेंटर ऑफ क्या है, यस दियानत सेंटर ऑफ अमेरिका, लाइक इसको DCA भी बोलते हैं। सो बहरहाल पता नहीं कैसा वीडियो होगा ये, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों को कितना पसंद आएगा खुदा जाने। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। सो मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा और भी जगहों को एक्सप्लोर करने का, लाइक मैं शायद कल जाऊँगा Washington DC घूमने के लिए तो दोस्तों के साथ, सो थोड़ा बहुत मैं जगह को एक्सप्लोर करूँगा। सो आपको वो वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो आप देख पाएँ मेरा अगला वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, मत भूलिएगा भाई MI Khan Vlog को। थैंक यू।